एक ऐसी मूवी जिसको देखकर आप एनिमी देखना भूल जाओगे। मतलब अगर आप ये मूवी देखते हो तो आपको एनिमी थोड़ी सा बहुत ही फीका लगेगा कि एनिमी में तो ज़्यादा कोई एक्शन होता ही नहीं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम के बारे में, जो मूवी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। हर जगह देखो तो स्क्विड गेम, जिसका रिकमेंडेशन आपको यूट्यूब ने या फिर गूगल ने ज़रूर से ही दिया होगा, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई एक सीरीज़ है और मैंने ये सीरीज़ देखी। तो ये सीरीज़ देखकर मुझे एनिमी बहुत ही फीका लगने लगा है। तो भाई मैं स्टार्टिंग में बहुत ही सीरियस हो गया, तो वैसे भी वीडियो में तो हमेशा मजाक ही चलता है, और अगर आप नए हो तो हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाल करते हैं, तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक ठोक दो यार, कुछ नहीं होता, फ्री में मिलता है। मैंने दुकानदार को जाके पूछा कितने को मिलता है एक लाइक, वो बोला फ्री में मिलता है। तो फ्री में मिलता है तो कर दो ना, मैं थोड़े आपसे पैसे मांग रहा हूँ, वो तो मुझे यूट्यूब देगा ना। तो भाई ये स्क्विड गेम जो है ना, इसकी स्टोरी बहुत ही मतलब एनिमी से भी बढ़कर है। इसमें जो हम गेम बचपन में खेला करते थे वो सारे गेम्स वो रियलिटी में खेलते हैं ये बंदे, और पैसों के लिए वो भी अगर वो जीते तो उनको मिलेगा ढेर सारा पैसा। और जो भी हारेंगे उन्हें डायरेक्ट खप खप खप, समझ रहे हो आप आपको समझ में आ ही गया होगा, सीधा गोली। और ये गेम बहुत ही वायरल हो चुकी है। उनमें से एक गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिस गेम को देखकर मुझे एनिमी मतलब एनिमी बहुत ही फीका लगने लगा, जो था रेड लाइट ग्रीन लाइट। और इस गेम में सामने एक रोबोटिक गुड़िया होती है जो गाना बोलती है, और वो पीछे जो बंदे होते हैं वो भागते भागते जाते हैं, और अगर वो गुड़िया बोलना स्टॉप कर दे और आप हिले तो सीधा आपको गोली लग जाएगी। तो भाई ये पूरे खतरों के खिलाड़ियों का खेल है। इसे इस मूवी को देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। और अगर हम कंपेयर करें कि स्क्विड गेम को अगर एनिमी से, तो एनिमी का एक्शन बहुत ही फीका लगेगा अगर ये मूवी देखो तो। एनिमी में उतना ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं होता जितना एक्शन हमें दिखाया गया है इस मूवी में। तो इस मूवी में आपको ज़रूर से वॉच करना। तो ये एक सीरीज़ है पूरी की पूरी। तो यार एनिमी का अगर हम लॉजिक देखें तो एनिमी में ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता भाई। अगर स्क्विड गेम अगर ये एनिमी में निकाली जाए तो इसका लुक कुछ इस तरह का हो सकता था। तो कैसा हो सकता था, आप उसमें जो खून था ना, तो अगर खून कहो या फिर कुछ भी शरीर से निकलता हो, कुछ भी पार्टिकल कहो, वो पूरा रियलिस्टिक लग रहा था। जिस मूवी को देखकर आप हैरान हो सकते हो, इस मूवी को ज़रूर से ही देखना। और एनिमी देखना तो आप भूल ही जाओगे, मतलब ये इतनी अच्छी मूवी है और ये इस मूवी को देखना तो बनता ही है गाइस। और अगर बात करें इसके मुकाबले में पोकेमोन की, तो पोकेमोन अपनी जगह और ये अपनी जगह है। और किसी अदर एनिमी की बात करें तो इस मूवी के ये तो सीजन 1 था, अगर इसमें आगे कोई ट्विस्ट आता है तो हो सकता है कुछ आपका ओपिनियन बदल जाए। तो एनीमे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो जिन्होंने एनीमे अपने पिछले बचपन से देखते आ रहे हैं वो इस मूवी के देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए यह कुछ ज़्यादा नया नहीं होगा। लेकिन जो जिन्होंने एनीमे कभी देखा ही नहीं है या फिर देखा है तो वो थोड़ा सा भी देखा है और वो इस मूवी को वॉच करते हैं, और बाद में अगर उन्हें आप एनिमी दिखाओ तो वो उनका इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो ये इस टाइप की एक मूवी है। मैं अगर आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करूँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।